लता मंगेशकर जी का परिवार गोवा का है, लेकिन उनके परिवार के साथ कैसा सलूक किया ये भी देश को जानना चाहिए। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह ये था कि उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। आप देखिए, हृदयनाथ जी ने एक इंटरव्यू में बताया, उनका इंटरव्यू अवेलेबल है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा जब वो सावरकर जी से मिले कि मैं आपका गीत करना चाहता हूं, तो सावरकर जी ने उनको कहा क्या तुम जेल जाना चाहते हो क्या, मेरी कविता गाकर के जेल जाना चाहते हो क्या? तो हृदयनाथ जी ने उनकी देशभक्ति से भरी कविता उसे संगीतबद्ध किया, 8 दिन के अंदर उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये स्वतंत्रता की आपकी झूठ बातें देश के सामने आपने रखी है। दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राउतांनी सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा दावा फेटाळून लावलाय। हृदयनाथ मंगेशकरांना आकाशवाणीतून काढलं होतं हे खोटं असल्याचं संजय राऊत म्हणाले। जे काय गैरवापर चाललाय खोटं, हृदयनाथ मंगेशकरांविषयी काल सांगितलं की वीर सावरकरांचं गाणं त्यांनी गायल्याबद्दल किंवा संगीत निर्मिती केल्याबद्दल त्यांना नोकरीतून गमवावं, त्याला नोकरी गमवावी लागली। माझ्या आयुष्यामध्ये मला जोपर्यंत कळायला लागलं तेव्हापासून मी ने मजसिने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला हे मंगेशकरांचं गाणं मी आकाशवाणीवरच ऐकलं आणि हे गाणं लोकप्रिय करण्याचं काम आकाशवाणीनं केलं आहे। तेव्हा माणसानं किती खोटं बोलावं आणि विशेषतः घटनात्मक पदावरील व्यक्तीनं तरी खोटं बोलू नये हे आमचे संकेत आहेत। पण मी प्रधानमंत्र्यांना वंदन करतो बाबा, आजपासून पहिला टप्पा काढून टाकलेला नव्हता, माझ्या माहितीनुसार असा कुठे रेकॉर्ड नाही आहे।